What's up everyone, welcome back to new vlog। तो गाइस अभी संडे है और मैं जिम जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि आज संडे है लेकिन रेस्ट डे नहीं है। तो अभी मैं अपना प्री वर्कआउट मिल लूंगा, वाटरमेलन और वे प्रोटीन, उसके आधे घंटे के बाद मैं जिम के लिए निकलूंगा। तो चलिए पहले मिल ले लेते हैं। तो मिल लिए, मुझे एक घंटा हो गया है और मैं रेडी हूँ, अभी सीधा जिम चलेंगे। एक्चुअली काफी दिनों से हमारे कुछ बात हो नहीं पा रही थी, वर्कआउट भी साथ में नहीं किया हम लोगों ने, तो मैंने सोचा कि आज संडे है, अच्छा सा व्लॉग बनाता हूँ, जिम चलेंगे, ज्यादा लोग होंगे नहीं, संडे है इसलिए, तो आराम से वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करते करते बातें भी करेंगे। वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, 2-2.5 बजा है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कार लेके जाऊँ कि एक्टिवा लेके जाऊँ। कार मुझे जमता नहीं है यार, ऐसा लगता है मतलब इतना सारा सामान लेके जा रहा हूँ, तो मैं एक्टिवा लेके ही जा रहा हूँ, फटाफट 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, नहीं 7-8 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और चलिए सीधा जिम में मिलते हैं। गाइज मैं जिम में आ गया हूँ, मैंने जैसे कि आप लोगों ने देखा 1.25 घंटे पहले मैंने मेरा प्री वर्कआउट मिल लिया था, वाटरमेलन एंड वे प्रोटीन। अभी 10 मिनट हुए हैं, मैंने मेरा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट और 5 ग्राम क्रिएटिन लिया है। अभी मैं वार्म अप करूंगा, थोड़ा स्ट्रेचिंग करूंगा, आधा घंटा हो जाएगा, फिर मैं आज वर्कआउट करूंगा। आज लेग वर्कआउट है और प्रॉब्लम ये हो गई है कि सलमान है नहीं, मैं अकेला हूं और मैं ट्राइपॉड लाना भूल गया हूं। तो देखिए फ़ोन कैमरे को हाथ में रखा है, तो मैं कहीं उसे एंगल में सेट नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। पर तो गाइस सबसे पहले काफ रेज आज लेग प्रेस मशीन पर करेंगे। गैस्ट्रोनेमियस एंड सोलस दो मसल होते हैं काफ में, तो आज मैं एक बार स्टैंडिंग करता हूँ, नी स्ट्रेट रख के, एक बार नी बैंड रख के करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ का स्पेशली मशीन नहीं है, तो इसके 5 सेट करूँगा, 10 से 12 रिपीटेशंस होंगे। चलिए पहले ख़त्म करते हैं। एक ये मसल है और एक ये मसल है, ठीक है, तो नीज बैंड है। तो 4 सेट रोमेनियन डेडलिफ्ट करूंगा, जिसके 10 से 12 रिपीटेशंस होंगे, जिसमें हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट मसल को टारगेट करने वाला हूं, जो आप लोगों ने देखा, नी स्लाइटली बैंड रखनी है एंड प्रॉपर हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच एंड स्क्वीज फोकस करना है हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट पर। तो गाइस रोमेनियन डेडलिफ्ट के बाद अभी मैं 4 सेट लेग कल के करूंगा। गाइस एवरी सेट के पहले मैं 2 वार्म अप सेट करता हूं, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग भी करिए, क्योंकि आजकल हम काफ़ी एसी जिम में वर्कआउट करते हैं, हमारे मसल एवरी मसल को वार्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप एक भी करोगे चलेगा, मैं सेफ्टी के लिए 2 करता हूँ। सीधा हैवी कोई भी मशीन पे शुरू नहीं करना चाहिए, या फिर इवन फ्री वेट पे मसल को अच्छे से वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट एक्सरसाइज है हिप एक्सटेंशन ऑन केबल। ये ध्यान से देखना, ये जो पैरों में बेड़िया देख रहे हो उसी के लिए है। बहुत ही फोकस और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्सरसाइज करोगे तभी आपका ग्लूट मसल इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देख लो मैं कितना स्लो एंड स्टेडी कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो वर्कआउट फिनिश हो गया है अभी, मतलब वर्कआउट फिनिश हुआ है, कार्डियो बाकी है,
अब मैं 40 मिनट कार्डियो करूंगा, तो अब कार्डियो के बाद ही मिलता है। ऑलराइट गाइस, तो 40 मिनट कार्डियो भी खत्म हो गया है, बज गया है शाम के 5, संडे मतलब इसी तरह बीत गया आज मेरा। कोई नहीं, बहुत थक गया हूँ, घर जाना है, मील लेना है, तो मील लेने के बाद आराम से बैठ के बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो घर आके सबसे पहले मैंने मील लिया, मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि आज मैं उठा ही लेट, 10:30 बजे उठा था, मैंने एक मील लिया, उसके बाद प्री वर्कआउट मील लिया, वाटरमेलन और वे प्रोटीन से क्या होता है यार इतना बड़ा इंसान। फिर जिम गया मैं, मैंने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिया, लेग वर्कआउट किया, इतना हैवी किया, उसके बाद 40 मिनट कार्डियो किया, बहुत भूख लगी थी, घर आया 40 ग्राम ब्राउन राइस और 125 ग्राम चिकन खाया, बस ऐसा दुख हो रहा था कि खत्म हो गया। लेकिन कोई नहीं, कंप्लीट करना है तो ये सारी चीजें तो झेलनी पड़ेगी, फैट बर्न करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो थोड़ा कम तो खाना पड़ता है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और बाय द वे, देखा आप लोगों ने आज का वर्कआउट मेरा, काफी बढ़िया रहा, मैंने काफी अच्छा किया, लोग काफी कम थे। एनी टाइम फिटनेस का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि संडे हो मंडे हो बस 24 घंटे खुला रहता है। बस ये वर्कआउट था मेरा, अभी संडे है तो वैसे तो कुछ करना नहीं, प्लान नहीं है, लेकिन घर वालों के साथ बैठूंगा, बातें करूंगा और बस फैमिली के साथ वक्त बिताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।